Hey, this is Mahi the magic girl. How are you all my magical army? So, आज मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ जिसकी मुझे बहुत स्ट्रांग वाली इम्पल्स आई थी कि आखिर तुम चाहते क्या हो? खुद से क्वेश्चन किया है कभी कि आखिर हमें चाहिए क्या? क्या चाहते हो आप? और सबसे पहले यूनिवर्स की साइड से आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ। किस बात के लिए बोलना चाहती हूँ कि आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं। इस दुनिया में 95% लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड 5% लोगों को पता है, और उन 5% लोगों को ही सक्सेसफुल लोग कहा जाता है। कहते हैं ना, इस दुनिया के सिर्फ 5% लोग ही सक्सेसफुल हुए हैं। तो वो 5% लोग वही हैं जिनको इसकी पावर पता चली। जितने भी बड़े बड़े बिलोनियर और मिलोनियर हैं ना, और जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट को जानते हैं, और उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में ये बताया है। और सबसे फेमस हस्ती SR के, जो बादशाह हैं बॉलीवुड के, वो खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। जब वो छोटे थे ना, बहुत छोटे से, आप सब जानते हैं कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो तभी से वो बोलते थे कि मैं एक दिन मुंबई का बादशाह बनूंगा। और आप सब जानते हैं, ही इज़ अ किंग ऑफ बॉलीवुड, एंड वो आज बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ याद आई, एक बॉस मूवी में ना एक सॉन्ग है, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, लाइक उसकी जो लिरिक्स है ना, एक एक लाइन उनकी लाइफ से मैच करती है। मतलब उन्होंने जो जो उस सॉन्ग के अंदर गाया है ना, मतलब लिपसिंग जिस पे की है, वो हर एक चीज़ उनकी लाइफ से मैच करती है। ये है पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ बिलीव, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ ट्रस्ट। तो यूनिवर्स आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? हर इंसान चाहता है एक हैप्पी लाइफ, ठीक है? आप एक बहुत खुशियों से भरी लाइफ चाहते हो, लेकिन आपकी गॉसिप्स कैसी होती हैं? आप दिन भर में दूसरों से दुखों के बारे में बात करते हो या खुशियों के बारे में बात करते हो? आपको मतलब चाहिए कार, लेकिन आप दिन भर कॉन्वर्सेशन कर रहे हो कि पैसे नहीं हैं, आप लैक शो कर रहे हो। आप उस कार, आपको अंदर से डिज़ायर है कि काश मेरे पास एक कार होती, लेकिन आप दिन भर, जब आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उन्हीं व्हीकल्स में आप कमियां निकालते हो कि आय हाय डीजल इतना महंगा, पेट्रोल इतना महंगा, हाँ ठीक है ना, हम ऐसे ही ठीक हैं। आप वहां पे एडजस्ट करने वाली बात करने लग जाते हो। आपको चाहिए जॉब, लेकिन आप दिन भर बात क्या करते हो? कंपटीशन बहुत है, आजकल गवर्नमेंट जॉब मिलना कितना मुश्किल है, और आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है ना कि बस पूछो ही मत। गवर्नमेंट जॉब तो समझो जैसे एक बहुत बड़ा सपना बन गया है सबके लिए। गवर्नमेंट ही बेकार है, जॉब ही नहीं निकालती, वैकेंसी ही नहीं निकलती। एक जॉब एक डिज़ायर है, उस डिज़ायर को आपने रखा हुआ है अंदर, लेकिन उससे ज़्यादा आप क्या डिस्कशन कर रहे हो? उस डिज़ायर से रिलेटेड नेगेटिविटी आप 90% डिस्कस करते हो, और 10% आप कभी कभी बोलते हो कि हाँ गवर्नमेंट जॉब मिल जाए अच्छी होती है, जो भी होती है। आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो, तो आपको पता है ना कि जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, जो आप सुनते हो, वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। और आपकी जो लाइफ है, वो आपके थॉट्स का ही रिजल्ट है जो आज आपके सामने है। चाहे वो खुशी है, खुशियों से भरी हुई है, या उसमें नेगेटिविटी है, दुख है, परेशानी है, आप इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आपकी जो लाइफ है, वो आपके थॉट्स का ही रिफ्लेक्शन है। अच्छा, फिर एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको चाहिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, पैसा आ जाए। पैसे के बारे में थिंकिंग कैसी है? पैसे सारी मुसीबतों की जड़ है, पैसे रिश्तेदारों में बुराई ला देती है,
ज़्यादा पैसा किसी चीज काम का नहीं होता, ज़्यादा पैसे वालों को नींद भी नहीं आती है, ज़्यादा पैसे वाले तो गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। क्या आपने कभी बोला कि पैसे कितनी अमेजिंग चीज़ है, पैसे से हम अपनी सारी नीड्स पूरी कर सकते हैं, पैसे से हम किसी गरीब की नीड पूरी कर सकते हैं और पैसे से ही हमारे घर में हर चीज़ प्रोवाइड होती है हमें, और पैसे से हम जो चाहें वो ले सकते हैं, पैसे से हम मतलब खुशियां दे सकते हैं दूसरों को जिनको उसकी ज़रूरत है। लेकिन आप चाहते तो हो कि आपके पास पैसा आए, लेकिन आपके जो अंदर से थॉट है पैसों को लेके वो आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है, और जिस चीज़ के बारे में आप नेगेटिव सोचोगे वो कैसे मतलब आपकी लाइफ में आएगी। यानी कि एक जानवर भी समझता है कि अगर उसे कोई प्यार से बुलाता है तो भी वो तो ही आपके पास वो आता है, अगर आपने उसे धुतकार दिया वो आपके पास नहीं आएगा। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही में समझते हैं तो आपको पता होगा हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़ लैंग्वेज समझती है, हर चीज़ फीलिंग समझती है। ऐसा नहीं है कि पैसा एक नॉन लिविंग थिंग है, आप उसके बारे में कुछ भी बोलोगे वो नहीं सुनेगा, नहीं, हर चीज़ को सुनाई देता है क्योंकि हम एनर्जी हैं। इस यूनिवर्स में मौजूद हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़ को सुनाई देता है। तो आप जो पैसे के बारे में आप देखो, मतलब आप पूरे दिन पैसों से हर चीज़ खरीद रहे हो, ला रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन आप घर में बैठ के डिस्कशन क्या कर रहे हो कि पैसे से ये, पैसे से वो। तो यूनिवर्स सबसे एक क्वेश्चन कर रहा है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। मतलब यूनिवर्स कंफ्यूज है, आप पॉजिटिव चाहते हो या नेगेटिव चाहते हो। आप चाहते तो हो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए, लेकिन आप डिस्कशन कैसा करते हो, ये दुनिया बड़ी बेकार है, सब लोग ऐसे हैं वैसे हैं, मेरे साथ तो सब ऐसा ही करते हैं, मैं चाहती तो हूँ खुश रहना, लेकिन क्या लेकिन, ऐसी बातें तो उन्हें करनी चाहिए ना जो जर्नल लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है कि पावर क्या होती है वर्ड्स की, पावर क्या होती है पॉजिटिव थिंकिंग की, है ना। तो आज आप खुद से खुद बैठ के पूछिए कि मैं चाहती क्या हूँ, आखिर मैं लाइफ कैसे चाहती हूँ। अच्छा, मुझे लाइफ में जॉब चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप्स चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए तो मेरा कॉन्वर्सेशन कैसा है इन चीज़ों को लेके, क्या सोचती हूँ मैं पैसे को लेके, क्या सोचती हूँ मैं हेल्थ को लेके, क्या सोचती हूँ मैं इस सोसाइटी को लेके, क्या सोचती हूँ मैं इस दुनिया को लेके, है ना। हम इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, 99% लोग हमारे साथ ठीक भी हैं, और सोचो अगर 99% लोग हमारे साथ ठीक नहीं भी हैं, 1% लोग तो अच्छे हैं ना, तो हम उन अच्छे लोगों को देखते ही नहीं हैं, हम देखते हैं किसको, जो हमारे साथ सही नहीं है। और अगर कोई हमारे साथ सही नहीं है तो उसके लिए भी तो रेस्पॉन्सिबल हम हैं ना। तो आज मेरा आपसे यही सवाल है कि आखिर आप चाहते क्या हो, खुद से बैठ के क्वेश्चन करो कि मुझे ये चीज़ चाहिए लेकिन इसके बारे में मेरी सोच कैसी है। और अगर आपकी सोच नेगेटिव है ना तो उसको लिख के फाड़ के फेंक दो, उसको जला दो, उसको रिजेक्ट कर दो, और आज से ही उस चीज़ को लेके पॉजिटिव डिस्कशन करना शुरू कर दो, और फिर देखना कैसे वो आपकी लाइफ में नहीं आती है। एकदम से चेंज नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोग नेगेटिव आके बात करें, जस्ट इग्नोर देम, कोई रिएक्शन नहीं देना है, हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। सो आखिर आप चाहते क्या हो, क्या चाहते हो कमेंट में लिख के ज़रूर जाना, क्योंकि राइटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कैसी लाइफ चाहते हो आप सब कमेंट में लिख के जाना, एक दूसरे आपको ब्लेस करेंगे। और आपको जब भी नेगेटिविटी आए इस वीडियो पे आना, अपना कमेंट देखना कि आखिर मैंने क्या लिखा था, और उसके बाद फिर से अपने बैक टू पॉजिटिविटी, और ये आज करना है आपको, और जो भी नेगेटिविटी है उस सबको रिलीज कर दो। और मेरी मैजिकल रूटीन जिसको भी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, और मेरी मैजिकल रूटीन के रिजल्ट्स ज़रूर देख लेना, बहुत अमेजिंग चेंजेस आए हैं लोगों की लाइफ में। सो आखिर आप चाहते क्या हो ये ज़रूर बता के जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी से भर दो, ठीक है, और अपना अपना बहुत सारा ख्याल रखो, टेक केयर एंड बाय बाय।